मोदी बोल रहे थे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। जब डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा था इन्होंने भी उसका विरोध किया। आज हम लोग को चाहिए कि पार्टी दल दल भावना सोच के हम लोग मनमोहन सिंह यादव का जो विचार उसको फॉलो करें। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं, आज उनको ये एहसास हो रहा है कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी ऐसे लोगों के लिए लोगों को करना चाहिए सहयोग। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये सरकार बनी तब से राजनीति को जिस तरह से निचले स्तर पर ले आए, अब पक्ष और विपक्ष सरकार का अंग होता है लेकिन अब तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये चाहते हैं पूरा विपक्ष को ही समाप्त कर दें, विपक्ष रहे ही नहीं। तो अब उनको सुबुद्धि आई है तो ये बात आज उनको याद आ रहा है। सोनिया गांधी को सिर्फ सवाल जवाब ईडी फिर करेगी और कांग्रेस ने पूरे नेशन वायरस का विरोध करने का दावा नहीं। नहीं देखिए, जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इसका दुरुपयोग हो रहा है, अब ये जग जाहिर हो गया है, जनता भी सब समझ रही है। आदरणीय सोनिया गांधी जी इस उम्र में हैं, उम्र की पड़ाव में हैं, बीमार हैं और इस तरह से ईडी का व्यवहार उचित नहीं माना जाएगा। ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के इशारे पर ईडी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का ठीका लेकर बैठी। चार सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया पूरे मॉनसून सेशन के लिए कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आवाज दबाने के लिए सस्पेंशन किया गया है, हम लोग लेकिन जनता की आवाज़ को उठाते रहे। नहीं देखिए, चार सांसदों को जिस तरह से पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष की आवाज़ सदन में नहीं गूंजेगी, सरकार को आईना नहीं दिखाया जाएगा, ये कहीं से भी लोकतंत्र की शोभा को बढ़ाने वाला फैसला नहीं हो सकता है। विपक्ष की आवाज़ सदन में गूंजती है और सरकार को जब विपक्ष आईना दिखाता है तो सदन की गरिमा बढ़ती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन ये सरकार तो हिटलर शाही तानाशाही पर उतर आई है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की करतूत करती रही है। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर हैं लोवलिना बोरगोहेन, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसको मेंटल हरासमेंट किया गया है जिससे प्रतियोगिता भी चल रही है। आठ दिन पहले ट्रेनिंग बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में खड़ी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो देश की संपत्ति है तो उसको उनको इंक्रेज करना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, देश की धरोहर है ये और इन्होंने जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाए हैं इसकी जांच होनी ही चाहिए। और जब ऐसे खिलाड़ियों के साथ इस तरह का होगा तो फिर हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलाड़ियों का सम्मान ये सरकार कहती है तो ये तो दिख रहा है कि एक खिलाड़ी किस कदर परेशान है। तो ये बात अगर उठी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई भी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी दोषी हो चाहे कोई हो अगर वो गिल्टी फाउंड होता है तो कार्रवाई करे, मेरे बारे में भी तो बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है। नहीं ठीक है, जो बात सामने आई है बंगाल से तो ममता दीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई दोषी अगर है तो उस पर कोई कार्रवाई करे, लेकिन किस मकसद से कार्रवाई हो रही है हर जगह, इसीलिए जो अगर कहीं पर सही भी मामले हैं तो संदेह उत्पन्न होता है। ममता दीदी ने स्पष्ट कर दिया वो किसी को नहीं बचाएंगी, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जिस तरह आज आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो,
ममता दीदी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, हर पार्टी के नेताओं के यहाँ शिवसेना हो, यही ईडी और सीबीआई और आईटी को भेज दिया जा रहा है। इससे विपक्ष को कमजोर करने का, हतोत्साहित करने का प्रयास सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भुवनेश्वर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक विश्वास ने कहा है कि पार्था चटर्जी जो मंत्री बंगाल सरकार के थे, नया एडमिट हुए हैं, उनको क्रॉनिकल फीवर है। हम लोगों की पूरी जांच की, छाती में ऐसा कोई दर्द शिकायत उन्होंने नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो पुराने डिजीज के मरीज रहे हैं, पुराने बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं। अब एम्स तो उसके सर्टिफिकेट पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो उसे सच माना जाएगा, और जो बात वो कह रहे थे ये बात सच निकल कर एम्स के डायरेक्टर ने भी स्पष्ट कर दिया है। एक मामला आया है कि राज्यसभा के चेयरमैन को सभी ओपोजिशन पार्टी ने पत्र लिखा है, इसमें ये बात कही गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ है, जो पोस्ट सेरेमनी थी राष्ट्रपति की, उनको जहाँ बैठाया गया है वो उनके पोस्ट को सूट नहीं करता है। वहीं सरकार की तरफ से बात कही गई है, वो आगे बैठे थे, उन्होंने शिकायत की कि मुझे पूना में क्यों दिया गया है, मेरे आदमी गए और बोले कि आप सेंटर में बैठिए, उन्होंने इनकार कर दिया, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। नहीं, देखिए, राज्यसभा के सभी माननीय सांसदों ने ये बात लिखित शिकायत की है। अब ये गंभीर विषय है, किसी भी प्रोटोकॉल के तहत उनका जो जगह निर्धारित होना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला, इसलिए वो आहत होकर के वो वहाँ से उठ गए। लेकिन ये सरकार विपक्षी नेताओं को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती है, कोई नियम कानून प्रोटोकॉल भी नहीं पालन करती है, उसी का एक ये भी वानगी है, उदाहरण है। पीयूष गोयल ने कहा कि हम लोग इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इसको डिबेट के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ देश की जनता जाने कि इसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी क्या बोलेंगे, जिस जनता को परेशानी हो रही है, जो आवाम आज परेशान है, इस परेशानी को वही समझ सकता है जो इस परेशानियों से गुजर रहा है। अभी सत्ता के नशे में वो चूर है, तो सिर्फ इस तरह की बात करके, आश्वासन दे करके वो निकल जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यही जनता किसी को अर्श पर पहुंचाती है तो उसे फर्श पर भी पहुंचाती है, जब जनता के उम्मीदों पर सरकार खरे नहीं उतरती है।